इस समय की बड़ी खबर है जो शम से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, शम एरिया से निकलकर सामने आ रही है। ये वही शम एरिया है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी लगातार इलेक्शंस के दौरान रहा है। तो बात करें शम एरिया के सतीश शर्मा की, जो पिछले 25 सालों से जो है कांग्रेस के साथ जुड़े थे और उनको जो है कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिलती है तो इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ते हैं। तो आपको बता दें, कल ही हाल ही फिलहाल में जो है रिजल्ट नतीजे जो है सामने आए हैं, तो काफी ज्यादा अच्छी वोटों के साथ है जो सतीश शर्मा ने जो है जीत हासिल भी की है। और पूरा शम के एरिया जो है, शम का एक एक बच्चा जो है, आपको बता दें कि कल जो जन सैलाब उनके साथ आया था, जितने भी लोग आए थे, यंग एज के बच्चे भी जो आए थे सतीश शर्मा के साथ है। तो आपको बता दें, इस समय जो खबर आ रही है सतीश शर्मा के साथ जुड़ी खबर ये आ रही है कि अब जो है सतीश शर्मा जो है फोर्सेस के हवाले से जो खबर सामने आई है कि सतीश शर्मा जो है एनसी का में भी दामन जो है थाम सकते हैं, यानी कि वो एनसी में भी जो है जा सकते हैं। और ये भी खबर हम तक पहुंची है सूत्रों के मुताबिक कि उन्हें जो है कांग्रेस के वालों ने भी कहा कि आप जो है हमारे साथ दोबारा से जुड़ जाइए, और उन्होंने जो है साफ इनकार कर दिया है। बल्कि सतीश शर्मा नहीं, सतीश शर्मा के साथ जो बाकी 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी एनसी में जो है शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और पूरा शम एरिया जो है सतीश शर्मा के साथ है। क्योंकि आपको बता दें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश शर्मा जब शम एरिया से इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट रहे तो कल नतीजे भी आपके सामने आए हैं। तो सतीश शर्मा जब कल जीते तो शम का बच्चा बच्चा जो है खुशी में है। तो अब जो खबर आ रही है कि 5 कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट है वो भी एनसी का दामन जो है एनसी में जो है शामिल होने के लिए जा रहे फोर्सेस के हवाले, ये खबर हम तक आई है जो हमने आपको बताई है। तो चलिए अब जो है हम सतीश शर्मा को जो है एमएलए के रूप में जो है देखेंगे, क्योंकि हाल ही में कल की नतीजों की बात करें तो सतीश शर्मा जो है काफी अच्छे वोटों के साथ जीते हैं और काफी ज्यादा लोग भी जो है खुश है, उनकी सपोर्ट में भी है। यंग एज की बात करें, यंग एज के नौजवान भी उनकी सपोर्ट में है। तो अब आपको बता दें कि 5 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट भी है वो भी सतीश शर्मा के साथ जो है एनसी में जो है उनका दामन जो थामेंगे। फिलहाल इस समय की खबर थी जो हमने आपके समक्ष रखी थी। तो अब जो है सतीश शर्मा जो है जब एनसी में जाएंगे, शामिल होंगे, उनका दामन थामेंगे, तो आपको बता दें कि उनकी एक अलग ही पहचान होगी आने वाला जो उनका फ्यूचर है। और ये भी बताया जा रहा है काफी अच्छा जो है एक अलग सी पहचान हो, एमएलए के रूप में जो है उन्हें देखा भी जाएगा। अगर बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश शर्मा की, तो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी वो रहे, लोगों के साथ काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल भी किया। और इन दिनों जो है इलेक्शन की बात करें, पल पल की अपनी अपडेट की बात करें तो लाइव हम उनका देखते थे कि कहां कहां वो किस किस टाइम लोगों के साथ जुड़े कनेक्ट थे। तो कल जब उनके लोग वहां के आए थे, हमने उन लोगों से बात करके भी जाना, तो उन्होंने यही कहा कि हम आने वाले दिनों में भी और आने वाले आगे के टाइमों में भी जो है सतीश शर्मा के साथ ही फिलहाल जुड़े रहेंगे और उनके साथ ही खड़े रहेंगे। तो बाकी 5 कैंडिडेट है उनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बनी पे भी जो जीते हैं, गांधीवल पे भी जो जीते हैं। तो आपको बता दें कि वो लोग भी जो एनसी का दामन है जो थामने जा रहे हैं। तो इस समय की बड़ी खबर थी हमने आपके समक्ष रखी इंडियन ट्रिब्यून चैनल के माध्यम से। तो चलिए सतीश शर्मा के साथ साथ 5 और कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो एनसी का जो है दामन थामने के लिए जा रहे हैं। तो आप फोर्सेस के बारे में जो खबर आई थी हमने आप तक रखी है। तो जनता की क्या राय है, अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ शम वाले एरिया जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो वो भी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जानकारी के या और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे, बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हमारी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।